जिला के इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना क्षेत्र में बालू उठाव को लेकर पुलिस पब्लिक में हुई झड़प। कोठी थाना की पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर ओनर पुलिस से जबरन ट्रैक्टर छुड़ाकर ले भागने में सफल रहे। बालू उठाव को लेकर स्थानीय लोगों ने माफियाओं और थानाध्यक्ष की पोल खोलते हुए बताया कि नदी में दर्जनों ट्रैक्टर थे, लेकिन ट्रैक्टर उसी की पकड़ी गई जो थाना को चढ़ावा नहीं देते हैं। जो चढ़ावा देते हैं उनकी ट्रैक्टर दिन के उजाले में चलती है, फिर भी थानाध्यक्ष नजरअंदाज कर लेते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर थानाध्यक्ष का पर्सनल मोबाइल की जांच की जाए तो बड़े बड़े अफीम माफिया, शराब माफिया, लकड़ी माफिया और बालू माफियाओं से सांठगांठ का खुलासा हो सकता है। तो आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की घटना लगती है, जिसमें कि थानाध्यक्ष ने मुझे सूचना दिया कि सर यहाँ पे हमने एक बालू के ट्रैक्टर को रोका है और विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई और सब लोग जो हैं घेर लिए हैं, बल प्रयोग करके पुलिस के ऊपर और हमला करके जो है ज़बरदस्ती ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। उस सूचना पर हम लोग बाकी थानों को अलर्ट किए और हम वहाँ से निकले, लेकिन तब तक यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती पुलिस के साथ हाथापाई करके जो है ट्रैक्टर छुड़ा के लेके चले गए हैं। तो अब जो है जो भी है एविडेंस हमारे पास, वीडियो एविडेंस है, कुछ रिकॉर्डिंग्स, उसके आधार पर हम लोग FIR कर रहे हैं और जो भी जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। क्या कोई पथराव तो नहीं हुई है, लेकिन उसमें जैसे ईंट लेकर के और रॉड लेकर के उसमें हमला करने की बात उसमें दिखाई दे रही है। कितने लोग थे क्या हैं? तो ऐसे 10-15 लोग हैं उसमें, लेकिन उसमें ट्रैक्टर ले जाने वाले और बल्ब प्रयोग करने वाले 8 से 10 लोग हैं, ऐसे चिन्हित करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है? नहीं, ट्रैक्टर वो लोग ले जाने में सफल हो गए हैं, बालू रोड पे गिरा दिया गया है वो है। कंसर्न जो भी अथॉरिटी हैं उनको भी हम लोग सूचित कर रहे हैं बालू के रिलेशन में। उसमें गिरफ्तारी हुई है क्या? एक लोगों को हम लोगों ने अभी लाया है शक के आधार पर, देख लेते हैं वीडियो में क्या एविडेंस है, कार्रवाई की जाएगी।